नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शिवानी पांडे। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर हुआ राज्यसभा का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहा। ये चुनाव विपक्षी पार्टियों के लिए किसी सियासी झटके से कम नहीं था। एक तरफ जहां अखिलेश यादव के कई विधायक उनके विरोध में बीजेपी के साथ खड़े नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती के विधायकों का रुख अलग ही नजर आया, जिससे विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के सपनों पर पानी फिरता हुआ दिखा। तो क्या चल रहा है यूपी की सियासत में, देखिए इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए हुए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। इस चुनाव में टोटल 395 वोट पड़े हैं। इसके साथ ही इस चुनाव में यूपी के एकमात्र बसपा विधायक उमा शंकर सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट किया है, जिससे साफ हो गया है कि कांग्रेस और बसपा के साथ जो गठबंधन की अटकलें थी वो खत्म है। क्योंकि माना जा रहा था कि बसपा विधायक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार विधायकों को वोट देंगे, लेकिन उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार को वोट दिया है। हालांकि बसपा सुप्रीमो मायावती ने पहले ही साफ कर दिया था कि बसपा यूपी में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर मायावती ने एक्स पर लिखा था, आगामी लोकसभा आम चुनाव बीएसपी द्वारा किसी भी पार्टी से गठबंधन नहीं करने की बार बार अस्पष्ट घोषणा के बावजूद आए दिन गठबंधन संबंधी अफवाह फैलाना यह साबित करता है कि बीएसपी के बिना कुछ पार्टियों की यहां सही से दाल गलने वाली नहीं है, जबकि बीएसपी को अपने लोगों का हित सर्वोपरि है। बता दें कि कांग्रेस चाहती थी कि यूपी में लोकसभा चुनाव के लिए बसपा भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। हालांकि मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि सपा कांग्रेस का वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं होता है, इसलिए इस गठबंधन से बसपा को कोई फायदा नहीं होगा। माना जा रहा है कि अब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और बसपा का गठबंधन नहीं होगा। आपको बता दें कि साल 2019 के चुनाव को अगर देखा जाए तो कांग्रेस को महज एक सीट पर जीत हासिल हुई थी, वहीं बसपा ने इस चुनाव में 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। अब 2024 के चुनाव में यूपी में कांग्रेस सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और यूपी की 17 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार जल्द ही मैदान में उतारने की तैयारी में है। वहीं बाकी सीटों पर सपा उम्मीदवारों को कांग्रेस समर्थन करेगी। अगर विपक्षी दलों के साथ मायावती का गठबंधन देखा जाए तो चुनाव के समय तक ही अखिलेश यादव और राहुल गांधी मायावती को साथ लेकर चले। चुनाव खत्म हो जाने के बाद विपक्षी दलों का गठबंधन टूट ही जाता है, इसलिए शायद मायावती ने अकेले ही मैदान में चुनाव लड़ने का मन बनाया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के चुनाव में मायावती किस पार्टी पर भारी पड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।